क्या मेरी बात समझते हैं? हाँ समझते हैं। ओके नमस्ते। यू स्पीक वेरी गुड हिंदी। थोड़ा नो वेरी गुड नाइस फॉर यू यस। मेरा नाम मिथिलेश। आपका? क्या आप क्या मेरी बात समझते हैं? हाँ मैं आपकी बात समझता हूँ। मेरा नाम इरा है। आपसे मिलके अच्छा लगा। Typical way of saying cheers in north of Hessen, a small town called Karben. Art from Prost sagen in Hessen Bad Vilbel. Poleman, poleman, putzka, peleman, peleman, pi, po, pi, po, pi, po. Oh, ayan. Agu. Agu. Папа, ты полный? Чего ты так смешишь? Ага. गाइज वेलकम बैक। सो राइट नाउ हम है मिंस्क स्टेशन पे और अभी हम जा रहे हैं विटिप्स। तो ऐसा लग रहा है ना हम गांव जा रहे हैं। रवि तुम्हारे सर से वो लाइट को कवर करना जरा। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा फील आ रहा है ना हम गांव जा रहे हैं। ऐसा ना मैं मतलब पापा को लेके जा रहा हूँ दूसरा शहर घुमाने के लिए। पापा इतने दिन से मिंस्क घूम रहे थे। विटिप्स बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, उसके बारे में हम डिटेल में आगे बताएंगे आपको क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मजबूत ठंडी है। रवि मुंह से धुआं निकालो, टिकट बहुत बड़ा है। When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. सो राइट नाउ हम है विटिप्स में। तो गाइस ये ना 3.5 घंटे की जर्नी थी मिंस से विटिप्स के लिए और हमने ट्रेन बुक किया था जिसमें ना सीटिंग थी, मतलब जो सीट था ना क्या बोलते हैं उसको, चेयर का। हाँ चेयर का था, मतलब स्लीपर भी ले सकते हो, सो के भी आ सकते हो, बट ये मॉर्निंग का ना सीटिंग का था। तो वैसे हमने ना मॉर्निंग सुबह 7 बजे के लिए जो हमको यहाँ पे 10 बजे छोड़ दिए, तो हमारे पास पूरा दिन रहेगा एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस पहले मैं बताना चाहूँगा बेलारूस के बारे में कि बेलारूस में टोटल 6 ऑब्लास्ट है। तो लाइक हमारे इंडिया में कैसा रहता है स्टेट्स रहता है, तो वैसे ही सेम यहाँ पे ऑब्लास्ट बोला जाता है। तो 6 है, लाइक मिंस्क है, फिर बाद में गोमेल है, ग्रोडनो है, ब्रेस्ट है और विटिप्स है और मोगलिव है। विटिप्स का बॉर्डर ना गाइस लातविया लिथुएनिया और ना रशिया से कनेक्टेड है मेन सेंटर में, वो किसी भी कंट्री से ना कनेक्टेड नहीं है उसका बॉर्डर। और ग्रोडनो और ब्रेस्ट का बॉर्डर ना पोलैंड से कनेक्टेड है और मोगलिव का रशिया से कनेक्टेड है और गोमेल का ना यूक्रेन से कनेक्टेड है, मीन्स बीच में। तो अभी नहीं जाने का। हाँ ना गोमेल जा सकते हो, गोमेल टोटली सेफ है। और विटिप्स आए, विटिप्स मेरा फर्स्ट टाइम है, पापा का फर्स्ट टाइम है, रवि पहले भी आ चुके हैं। हाँ मेरा तीसरा बार। तो अभी घूमेंगे, पापा को टॉयलेट आई है बहुत जोर से क्योंकि ना एक प्रॉब्लम है, पापा ना कभी ना टॉयलेट जाते नहीं है ट्रेन के अंदर भी और फ्लाइट के अंदर भी नहीं जाते, तो पहले टॉयलेट ढूंढते पापा। हाँ क्या हाल है, ट्रेन कैसा लगा पापा? ट्रेन तो गाइस साफ सुथरा, हमेशा बेलारूस रशिया यूरोप जैसे ये पूरा सब कुछ साफ सुथरा है।
और क्या, ट्रेन दिखाया मैंने आपको। तो गाइस अभी हम अपार्टमेंट पे जा रहे हैं और अपार्टमेंट का चेक इन टाइमिंग ना 1 बजे का और 11 बज रहा है अभी। मजबूत बर्फ गिर रहा है। पापा कहाँ है? पापा ग्लव्स निकालो मत, ठंडी तो नहीं लग रहा है? रवि ठंडी लग रहा है? ठंडी क्या लग रहा है? क्या व्यू है, बैकग्राउंड देख सकते हो गाइस आप। गर्मी के मौसम में और मजा आएगा यहाँ पे आने के लिए। अभी शाम के ना 8 बज रहे लगभग। हम आए थे यहाँ पे 1 से 1.5 बजे तक लगभग, और उसके बाद में हमने मतलब थोड़ा सोचा कि 2-3 घंटा सोते हैं उसके बाद में निकलेंगे, बट हम थोड़ा लंबा टाइम सो गए क्योंकि सब थके हुए थे और मजबूत बर्फ गिर रहा था और थोड़ा वॉक किए ना उसके बाद में थोड़ी ठंडी लग गई हम सबको। तो अभी मैं रुका हूँ यहाँ पे अपार्टमेंट में। होटल नहीं बुक की है क्योंकि आपको पता है कि होटल छोटा सा रहता है और अपार्टमेंट में अच्छा रहता है कि अपार्टमेंट थोड़ा बड़ा रहता है, साथ में किचन मिलता है और आपको ना थोड़ा एक घर वाली फीलिंग आती है। और हम लोग 3 जन थे तो होटल में 2 रूम बुक करने से अच्छा हमने 1 BHK बुक किया है जिसमें हम तीनों के लिए बेड है, कम्फर्टेबली सो सकते हैं और फिर हमने थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। रवि बोलो भाई, रवि रवि बोलो, जोड़ी है लोकी। ये घर में कैसा है ना, अपार्टमेंट में ना किचन अलग से नहीं है, किचन ना लिविंग रूम में ही है और अच्छे से डिजाइन किए तो आप देख सकते हो। और स्टीम भी इसका इधर ही ऊपर रखा है और अगर कुछ ग्रिल वगैरह करना है तो, और उसके बाद में चाय कॉफी। और गाइस यहाँ के घर में ना मोस्टली आपको बाथटब मिलेगा ही। अपने मुंबई में तो बाथटब बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको मालूम है कि स्क्वायर मीटर कितना महंगा है। तो गाइस अभी बाहर निकले, थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करेंगे। अभी थोड़ा तो बर्फ वगैरह गिरना बंद हो गया, क्या हाल थे? अब बर्फ आज नहीं गिरेगा, कल भी नहीं गिरेगा। क्या हुआ, क्या बोल रहा है? वेदर मैप में कल बर्फ नहीं गिरेगा, आज अब खत्म हो गया। सही है। और गाइस यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना अपने इंडिया में, मुंबई में जो लोग रहते हैं ना, वो कभी वेदर देखते नहीं है नॉर्मली। हमको ना मतलब आज क्या है, हाँ ठीक है न्यूज़ में देखा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे तो लोग बाहर घर से निकलेंगे ना तो पहले वेदर चेक करेंगे, टेम्परेचर क्या रहने वाला है पूरा दिन का, कल का क्या है, वो हिसाब से प्लानिंग। थीम को रख के अच्छा है कि रेस्टोरेंट, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो बैठ के डिनर करोगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो अच्छा भी लगेगा उनको भी। That's forever faithful, he'll always lift you up. I was looking for the answers, too blind to see the signs. He was with me all this time. No, he never left my side. He shared. तो गाइस अभी मैं मेन स्ट्रीट पे हूँ, आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल है स्ट्रीट।
मैं दिन में आया था तो पूरा बर्फ गिर रहा था, तो एक्सप्लोर अच्छे से देख नहीं पाया था, बट अभी देख रहा हूँ मस्त लग रहा है, लाइट वगैरह जल रहा है, पूरा बिल्डिंग्स वगैरह। पापा पापा को बोला चलो बाहर चलते, तो बोलते कि अरे मेरे को नींद आ रहा है, मैं घर पे सोता हूँ। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बर्फ नहीं गिर रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बर्फ इधर कम गिर रहा है। हाँ पापा को बोल रहा हूँ मैं जोर से बोलो, क्योंकि पापा ना थोड़ा स्लो बोलते, आवाज़ आता नहीं है, और लोगों का कमेंट भी आ रहा है। हाँ कि मतलब पापा बहुत स्लो बोलते। चाय देना पड़ेगा आपको, चाय पिलाना पड़ेगा, ठंडी लग गई लगता। अगर ना आप ना यूरोप प्लान कर रहे हो, रशिया बेलारूस कभी भी, तो ठंडी का टाइम थोड़ा अवॉइड करना है, विंटर का टाइम, क्योंकि इतना बर्फ गिरते रहता है। तो मतलब ना जो गर्मी के टाइम पे घूमने का मजा है ना, वो अलग है। हाँ अगर विंटर में आप न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए जा रहे हो 7-8 दिन के लिए ठीक है, 1-2 महीने के लिए प्लान कर रहे हो तो अवॉइड करना, क्योंकि इतनी बर्फ़ रहती है, तबीयत ख़राब होने का चांसेस, और ऊपर से इतने सारे कोट ब्लेजर, ऊपर से ठंडी लगते रहती है हमेशा। कि ना अयान से मिलने का था पापा को, वो एक मेन रीज़न था, क्योंकि अभी अयान देखो 2 महीने का है, 1 महीने का था जब पापा आए थे, तो वो ये जो मूवमेंट है ना, ये अगर 5-6 महीने के बाद मिलेंगे ना, वो मिस हो जाएगा, तो इसके लिए क्या चलते पापा ना। आपको कोई तकलीफ हुआ कि ठंडी है इसकी वजह से? ठंडी है क्या हुआ, इधर तो सब पहनने का है ना, बढ़िया है ना। पापा बहुत तारीफ कर रहे हैं, मतलब उनको चाहिए कि वापस आने का है। एक चीज और कर लो जोर से, हम लोग बॉर्डर पे आए हैं, कहाँ से, कौन से जगह है? हाँ मतलब पापा को मैं बोल रहा था, यहाँ पे हम लोग बॉर्डर पे, अभी लातविया लुथेनिया और रशिया का बॉर्डर है बाजू में, रशिया के बॉर्डर पे हम लोग आ गए हैं अभी घूमने के लिए। अंकल को भागने का प्लान है यहाँ से दूसरा देश। गाइस अभी मैं रास्ते से चल रहा था और बहुत लाइट चमक रहा था, फिर मैंने देखा क्या है, जरा देखूँ तो ये है वेप शॉप। तो मैं बताना चाहूँगा कि मतलब वेप एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है जो इंडिया में ना लीगल नहीं है, तो यहाँ से इंडिया नहीं लेके जा सकते, बट लोग ना यहाँ रशिया बेलारूस यूरोप में आओगे ना, आप लोग को बहुत लोग दिखेंगे जो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीते हुए, और ये लगभग ना 1000 रुपये तक आता है, ये हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है, और हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आप पियो, बट बता रहे कि यहाँ पे आप नॉर्मल जब घूमने के लिए आओगे ना तो आप देखोगे कि ये लोग पी रहे क्या है। पापा मेरे को बार बार पूछ रहे थे कि ये लोग धुआं क्या छोड़ रहे लोग। मानना ये है कि यहाँ लोग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इतने ज्यादा पीता है ना, क्योंकि यहाँ का लोग सिगरेट बहुत ज्यादा पीता है और वो कहीं पे भी पीना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट क्या है कि कहीं पे भी पी सकता है, रेस्टोरेंट में भी बैठा है तो पी सकता है, टैक्सी में भी बैठा है तो पी सकता है, लेकिन ओरिजिनल सिगरेट जो होता है वो नहीं पी सकता है टैक्सी में या रेस्टोरेंट में। मैं बोला लेटर ऐसा है क्या चीज है, तो मैं बोला आपको दिखाता हूँ अभी क्या चीज है, तो वेब शॉप पे लेके आए, इनको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा चीज है यहाँ पे, पापा को भी सब पता होना चाहिए ना। Рис и курица? Да, вкусно, вкусно, да. Очень вкусно. Это такая стритфуд, стритфуд. Да, 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 да. Стритфуд. Да, это вкусно, дешево и вкусно. Ребятки, спасибо. Спасибо. Всего хорошего вам. Close, I'm a wild one, I'm a ride lover.
chiar mă ribate să mă citești? Da, să mă citești. Ok. Namaste. You speak very good Hindi. Thoda thoda. Thoda thoda, no, very good, nice. For you, yes. What else you know in Hindi? Namaste, thoda thoda. No, thoda thoda bolte hai, like, kaise ho, tera naam? मेरा नाम मिथिलेश आपका क्या क्या आप मेरी बातें समझते हैं हाँ मैं आपकी बातें समझता हूँ मेरा नाम इरा है आपसे मिलके अच्छा लगा नहीं अंडरस्टैंड बट सॉरी नहीं नहीं आप बहुत अच्छा हिंदी बोलते हो बहुत बहुत माफ कीजिए नो बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद हाउ यू लर्न हिंदी I'm about the book, Indian Russian, you know it. Yeah, it's very good. You should come Goa. Aapko Goa aana chahiye. I don't finish my studying. Still, it's... You work in this restaurant, yes? Yeah, in the 6 months. In 6 months? Yeah. That's nice. Thank you. Shukriya. Kripa, kripa. Aapse milke acha laga. Bye. Bye. The pipe high, we say. Bye bye. Bye bye. You have a nice energy. बहुत ही अच्छा हिंदी बोलते हैं जब मैं यहाँ पे आया ना फुल एनर्जेटिक से वेलकम किए मेरा और मतलब ना बहुत स्माइलिंग फेस है बहुत अच्छा है मतलब आपके मुंह आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट है अच्छी बात है People like me because of my smile. Yeah, that's good. यहाँ आते ही इनसे पूछे Do you speak English? और ये बोलती है आपको क्या चाहिए हाँ, I'm crazy, man, I'm crazy, but Indian accent, but but अच्छा बोलते हो आप, अच्छा लगा बहुत धन्यवाद सच में यार स्टाफ बहुत अच्छा था और इतनी अच्छी वो हिंदी बोल रही थी और इतना मतलब रहता ना कि हम लोग डल मूड था थके थे गए वहाँ पे एनर्जी आ गया कैसा लगा पापा आपको हिंदी बोल दी आपको शुभकामनाएं पापा जी पूरा हिंदी बोल रही थी हाँ तो एक एनर्जी आ गया अच्छा लगा क्या था अंकल को तो दो बार पापा जी अंकल को दो बार पापा जी रवि का रिएक्शन दो लड़के हाँ सब लोग आके ना सब लोग आके पापा को ना पापा जी कर रहे आगे ताजे से कूद रहे थे नहीं ऐसा बहुत बात है ऐसा ऐसा I found my bliss in the grave.